हम मैं विद्यार्थी हूँ, मैं उपाध्याय, और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रवि वेन इजरा बाय ब्राउनिंग। क्या है इसका सेंटर पॉइंट, क्या इसका अंदर केंद्रीय भाव है, समझते हैं। अब वेन इजरा जो पोएम है वो 1864 को पब्लिश हुई थी। 192 इसके अंदर लाइंस हैं, 32 स्टैंजास हैं, इसके अंदर 6 लाइंस हैं हर स्टैंजा में। इसकी राइमिंग स्कीम है AABCCD। इसके अंदर टेट्रामीटर का जो प्रयोग किया गया है मोस्टली, और थोड़ा बहुत आयम्बिक पेंटामीटर का भी प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं भाव की तरफ। भाव अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो इसके अंदर ये कहा गया कि जो ओल्ड एज है वो जिंदगी की संपूर्णता है। ओल्ड एज में आकर ही इंसान हकीकत को समझने लगता है, इसलिए ओल्ड एज में कोई भी दयनीय अवस्था के बारे में सोच कर डरना नहीं चाहिए। ओल्ड एज बेकार एज है, बल्कि ओल्ड एज ही एक ऐसी एज है जब इंसान को सच का अनुभव होना शुरू होता है। ये एक बायोग्राफी नहीं है, हालांकि इसमें एक 12th सेंचुरी के पोएट मैथमेटिशियन जिसका नाम है अब्राहम इबन एजरा के थ्रू को आगे सामने रखकर जो ब्राउनिंग है वो अपनी बात को कहता है। समझो ब्राउनिंग क्या कहता है। ब्राउनिंग ये कहता है भाई, बात ये है, बचपन और जवानी की अपनी अपनी बेईमानी है। बचपन और जो जवानी है हमें सपनों की तरफ ले जाती है, बुढ़ापा की तरफ, हकीकत की तरफ। बचपन जवानी में इंसान के पास सपने होते हैं, वो सोचता है मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन बुढ़ापा उसे बताता है कि वास्तविकता क्या है और उसे वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे बुढ़ापा ही बताता है। बचपन और जवानी की बुराई नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि बचपन और जवानी जो है वो तैयारी है बुढ़ापे की। हमको बुढ़ापा आना एक दिन, उसकी तैयारी है बुढ़ापा, और जो बुढ़ापा है वो तैयारी है मृत्यु की। क्योंकि जो राइटर है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है, वो कहता है कि हमें मृत्यु के बाद इस संसार में से चले जाना है, जहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा शरीर तो नहीं रहेगा लेकिन जो हमारी आत्मा है वो एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है, वो कभी ख़त्म नहीं होती और वो इस दुनिया में ही रहती है। एक लाइन में कहूँ तो वो कहता है कि ओल्ड एज गोल्डन एज, क्योंकि ओल्ड एज में ही इंसान हकीकत को स्वीकारता है। क्यों? क्योंकि वो देख चुका होता है बचपन जवानी में कि वो सपनों के पीछे कैसे भागा था, उसने उस जवानी में किस तरीके से जो कि असंभव चीज़ें हैं उनका भी पीछा किया था, उसने प्रकृति से लड़ाई की थी, एक्सीडेंट से लड़ाई की थी। लेकिन जब वो बड़ा, बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, एक्सपीरियंस उसके अंदर आने लगता है, तो वो समझने लगता है कि एक्सीडेंट से पंगा लेकर कोई बात फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि एक्सीडेंट को कबूल करने कर ही हम जिंदगी को आरामदायक बना सकते हैं और खुशियां ला सकते हैं। और वो बुढ़ापे तक ये बातें सीखता रहता है कि एक्सीडेंट को स्वीकारना ही उचित है। बुढ़ापे में वो अपनी एक नई जिंदगी की जो है इंतजार करता है, स्वागत के लिए इंतजार करता है, जो कि आफ्टर लाइफ की जो ज़िंदगी है। दूसरी तरीके से मैं ये भी कहता हूँ कि वो ये कहना चाहता है कि हमें सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें सुख दुख में ज़िंदगी को एक तरीके से लेना चाहिए, हमें दुखों में अपने सर पीटना नहीं चाहिए और सुखों में उछलना नहीं चाहिए, हमें हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। और वो इंसान धीरे धीरे करके ही सीखता है, जब वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ता है तो वो इस चीज़ के प्रति ज़्यादा जागरूक होता रहता है। वो समझ जाता है कि हमें दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसे ही जो अपनी स्थिति को, मन को रखना चाहिए। धन्यवाद।